राहुल गांधी की शादी कराए, इसका दिमाग खराब हो गया राहुल गांधी। जोधपुर के साथ नागौर की राजनीति भी गरमा रखी है। हनुमान बेनीवाल, दिव्य मदेरणा और मदेरणा परिवार पर लगातार हमलावर है। आपके ओछे शब्दों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मानसिकता दर्शाता है, आपकी मानसिकता। घड़ी राम राम साहब, देख रहे हो झलक दिना में जो है लगातार जोधपुर और नागौर की सियासत के मायने लगातार जो है उछाल देखे जा रहे हैं। खास तौर पर औसिया के रामनगर में जो दो दिन पहले घटना हुई, जिसमें एक परिवार के चार लोगों के साथ दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई, और भी हत्याकांड के बाद जो है पूरा जो है जोधपुर के साथ नागौर की राजनीति भी गरमा रखी है, क्योंकि आरएलपी का तमाम प्रमुख नेता भी जो है औसिया में घटना स्थल पर जा रहा है, और इनलेर भी जो है लगातार अलग अलग तरीका की चर्चा लगातार बढ़चाल दी है। सुपर ओशिया में जो है दिव्य मदेरणा बनाम जो है हनुमान बेनीवाल लगातार तकरार चल रही है। बीता तीन चार साल में जो लगातार हनुमान बेनीवाल दिव्य मदेरणा और मदेरणा परिवार पर लगातार हमलावर है, कई व्यक्तिगत टिप्पणियां भी करे हैं, तंज कस है, तो वही इस मामला में जो है दिव्य मदेरणा में पाछे कोने वाली लगातार जो है, और खासतौर पर नागौर में जावे, नागौर का खेवसर में जावे और बोले की टेम्परेचर नाप आई है और इलाज की जरूरत है, यानी की बातें करे तो दोनों तरफों जो है लगातार बयानबाजी जो है खूब जोश की चाल रही है। अब जो नया मामला आया है इस पहली बजरी का मामला ने भी जो पूरा प्रदेश में जो है हनुमान बेनीवाल आपकी पार्टी को जनाधार बढ़ावा के लिए और आमजन सुजुड़वा के लिए सीधा जो है हल्ला बोल कार्यक्रम कर रहा है, बजरी माफिया के खिलाफ लगातार वह लड़ाई लड़ रहा है। तो अब जो रामनगर को जो ओशिया को नया मामला आया है बिन लेर, जहाँ एक तरफ जो है आपकी सरकार पर खुद दिव्य मदेरणा तो हमलावर है ही, और एक के दौरान जो हनुमान बेनीवाल और नारायण बेनीवाल लगातार घटना स्थल पर जा रहा है, बट लोगों में मिल रहा है। तो कुल मिलाकर जो है मारवाड़ की जो राजनीति है जो भाजपा कांग्रेस इतर दो जाट नेता के बीच की लगातार टकराव की स्थिति देखी जा रही है, और 2018 का चुनाव और भी के बाद में जो है पंचायती राज चुनाव में भी जो है आपको आरएलपी बढ़िया दमखम दिखाया है, बाकी तीन जो है विधायक बनया है, एक नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल बनया है, पहली बार ही 2018 में पार्टी बनी, और बी के बाद में लगातार सक्रिय है, और मारवाड़ में पार्टी को सिखवाटी मारवाड़ में खासो प्रभाव है। और पंचायती राज चुनाव में ओशिया की बात करा तो 11-11 सीटा भाजपा और कांग्रेस जीती, और एक सीट जो आरएलपी का खाता में आई यूबी को समर्थन भाजपा में गयो और भाजपा को प्रधान ओशिया में बन गो। तो इसलिए आरएलपी हनुमान बेनीवाल और दिव्य मदेरणा के बीच लगातार जो है आक्रामक स्थिति बन बाई है, और कोई भी मौको जो है दोनों नेता नहीं छोड़ बचावे, ना तो हनुमान बेनीवाल छोड़ बचावे, ना ही दिव्य मदेरणा छोड़ बचावे, और इन्हें लगातार जो है वह दौरा कर रहा है, हर कार्यक्रम में वह शरीक हो रहा है, बैठे लोगों के बीच जा रहा है कि भाई कोई ने लीड नहीं मिल जाए, लगातार जो है मैदानी जंग जो है चुनाव की भी मैं खुद ने बना रखवा के लिए हर मुद्दा और माहौल में जो है गर्म माहौल में वह उपस्थित हो रहा है। बाकी तमाम जो विधायक है आरएलपी का और तमाम पदाधिकारी भी है लगातार बैठे सक्रिय हो जाओ, तो इसलिए जो है आबाड़ा, क्योंकि तीन चार महीना बाद चुनाव होना है, और चुनाव में पहली जो लगातार घटनाक्रम हो रही है पंचायती राज चुनाव में जी प्रकार को जो प्रदर्शन आरएलपी बैठक करी है, तो एक चुनौती को विषय तो बन ही रही है कांग्रेस भाजपा के लिए। अब आ तो चुनाव का नतीजा के बाद ही देख वाली बात होली कि आरएलपी जो है पिछली बार का जो प्रदर्शन है भी बरकरार रख पावे, या विश्व बेहतर कुछ करे, या जो 6 सीटा पर भी कोई दिक्कत आ जाए, या तो आबाड़ो वक्त ही बता लो। लेकिन ई टीम में जो है बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा जो है दो जाट नेता के बीच की जो वर्चस्व की लड़ाई है वह जो शोर से चल रही है, बात देख वाली बात होगी कि वर्चस्व की लड़ाई के बीच में रामनगर में जो जघन्य अपराध हुए है, एक विभत्स जो घटनाक्रम हुए है, बीमा पीड़िता ने न्याय मिल पाओलो, मुआवजे मिल पाओलो, सरकारी नौकरी की जो बात हो रही है वह मिल पाओली, अभी बहुत जरूरी है। तो अब आ देख वाली बात है कि इपकाई जो आबाड़ा वक्त में हो लो, आप देखिए कोई यहाँ इंग्लैंड अमरीका थोड़ी है जो अपना आधे कपड़ों में लोग घूम रहे, यहाँ मैं तो देखा, और कई हमारे किसान की बेटियां, कई अभिनेत्रियां जिस तरह राहुल के चिपट चिपट के फोटो ले रही है, उससे कोई मुख्यमंत्री बनता है क्या चिपट के फोटो लेने से? मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जो शादी या मंदिरों के कार्यक्रम में राजनीतिक भाषण देती हूँ, क्योंकि मैं परशुराम मदेरणा की पोती हूँ, महिपाल मदेरणा की बेटी हूँ, राजनीति उसूलों से करती हूँ। ज्यादा जानकारी के लिए थे जो है लगातार मैं झलको देखता रहो, आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज ने फॉलो करो, यूट्यूब पे देख रहे हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ने प्रेस करो, तो सबसे पहले था हमारे को वीडियो मिले, और था कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। नमस्कार, धन्यवाद।